नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि त्रिकोण का साइन, त्रिकोण का चिन्ह कहता क्या है। आज इसको हम विस्तार रूप से समझेंगे। कहते हैं ना कि जहां पर त्रिकोण बनता है, हस्तरेखा शास्त्र में इसका विशेष महत्व माना जाता है। धन के आगमन के बारे में बताता है, आपके करियर के बारे में बताता है, आपके राजनीति के बारे में बताता है, विशेषकर धन के संचित के बारे में बताता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो सबसे पहले अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है। तो आज हम समझेंगे विस्तार रूप से त्रिकोण के फल के बारे में। जैसे कि कहते हैं ना कि हमारी ये बुध की उंगली, जिसको हम कनिष्ठा की उंगली बोलते हैं, वैसे देखने में तो बड़ी छोटी होती है लेकिन बड़े काम की होती है। अगर ये छोटी उंगली थोड़ी सी भी बड़ी बन जाए, या थोड़ी सी पहले पोर, ये जो तीसरा पोर है इसके तीसरे पोर से ऊपर अगर बढ़ जाती है या लंबी हो जाती है, तो इसके फलों में वृद्धि हो जाती है। कहते हैं कि चार चांद लग जाता है, ऐसे लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी भी काम करने के लिए। इसका कोई दोष नहीं लगता। इस हस्तरेखा में बड़ी चलाकी को बताती है, आपके बिजनेस सेंस को बताती है, आपके काम करने की प्रक्रिया को बताती है। और इसके ऊपर अगर ये छोटी ऐसी रेखाएं हो तो जीवन में सक्सेसफुल ऐसे इंसान बिजनेस को लेके बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहां पर अगर ये त्रिकोण बन जाए, ऐसे लोगों को विचार जो है नया नया विचार होता है। विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया करने की जज्बात रखते हैं, कुछ नई चीजें खोजते हैं। इनके मन की जो एक्टिविटी होती है वो नया विचार पैदा करना, और किस चीज में, बिजनेस के बारे में। और इनके सपोर्ट पार्टनर सपोर्ट जो होते हैं लाइफ में वो बड़ी हेल्प करते हैं। कह लो कि विज्ञान के क्षेत्र में नई चीज करने को जीवन में अग्रसर रहते हैं। और इसी प्रकार से हमारी ये सन की फिंगर, और सन की फिंगर के नीचे ये बना हुआ त्रिकोण, जिस फल के ऊपर, जिस पर्वत के ऊपर है उसका शुभ फल तब मिलता है अगर ये पर्वत भी समान रूप से उठा हो, ये दबा ना हो। दबा उसकी कमी को दर्शाता है, जीवन में उसकी आर्थिक कमजोरी को दिखाता है। अगर कहें तो जीवन में यहां पर ऐसे लोग अपने जीवन में काफी कुछ महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं किस चीज का, कि हमें किसी चीज की कमी नहीं है, मन की तसल्ली को दिखाता है। राजनीति के क्षेत्र में अपना खुद का डिसीजन, सरकार के क्षेत्र में अपना खुद का निर्णय ऐसे लोग लेने में सक्षम होते हैं। अगर देखें तो यहां पे हर सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। आपके जितने मन की इच्छाएं हैं वो सन के माउंट पे ये जो त्रिकोण है, इच्छाओं को पूरी करने का मतलब आपके जीवन में उस उद्गम को पूरा करता है जो आप अपने लाइफ में सोच के किसी भी काम को करते हैं तो उस इच्छा को जरूर पूरा कर देता है। और इसी प्रकार के हमारे शनि के माउंट के ऊपर, शनि के माउंट के ऊपर वैसे तो कहते हैं कि यहां पर त्रिकोण दो तरह के फल देते हैं। और ये पहला फल अगर आपका हाथ पिंक कलर का है या रेड कलर का है तो ऐसे लोग जो होते हैं ऐसी धर्म की पूजाएं, ऐसी मान्यताएं हैं यहां पर कि जैसे किसी चीज में रिसर्च करना, किसी के धर्म के बारे में समझना,
क्योंकि शनि जो है ना एक डीपली रिसर्च का भी कारक माना जाता है, और यहां पर नए नए अध्ययनों को, जैसे ओशो हो गया, महात्मा बुद्ध हो गए, या रवि श्री श्री रविशंकर जी हो गए, इन धर्मों के, इन ग्रंथों के डीपली नॉलेज को रिसर्च करने के लिए, नए वेदों को पढ़ने के लिए माना जाता है। लेकिन यही त्रिकोण यहां पर अगर ब्लैक आपका हाथ है, तो ऐसे लोग तंत्र मंत्र की विद्याओं में जाते हैं, तंत्र मंत्र की विद्याओं में जाके रिसर्च का काम करते हैं, लोगों को सम्मोहन का काम करते हैं, लोगों को वशीभूत करने का काम करते हैं, तो वो थोड़ा सा जो तरीका होता है वो गलत हो जाता है। और ऐसे लोगों को देखें तो इन विद्याओं से धन अर्जित भी करते हैं। और इसी प्रकार से गुरु के माउंट के ऊपर, गुरु के माउंट के ऊपर बड़ा शुभ फल देखा जाता है। कहते हैं ना कि ज्ञान की वर्षा होती है। ऐसे लोगों को राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त होती है। और एक चीज यहां पर बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है, अगर जिस किसी भी व्यक्ति क्या हो, अगर उसके काम अटकते हो, लटकते हो, कामना होते हो, अगर किसी के हाथ में त्रिकोण बनता है, ऐसे लोगों को सरकारी जो काम है, किसी का रुकता है, जिसके हाथ में त्रिकोण है उसको काम दे दो तो बड़े आसानी से आपके काम को करवा सकता है। और यहां पर राजनीति के क्षेत्र में उपलब्धि को भी प्राप्त करता है। और ऐसे लोग बड़े नॉलेज होते हैं किसी भी धर्म को लेके, किसी के ग्रंथों को लेके डीपली नॉलेज भी करते हैं, ज्ञान के बड़े अच्छे प्रवक्ता होते हैं। किसी को लगा लो कि एक तरह का संचालक का काम करते हैं, ज्ञान देने का काम करते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता अद्भुत होती है इन लोगों में। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।